भोजपुरी फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेत्री रह चुकी अभिनेत्री नीलू शंकर सिंह का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें गंभीर चोट लगी है, हालांकि अभी वो ठीक हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। उम्मीद है वो बहुत जल्द ही ठीक होकर अपनी आने वाली फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू करेंगी। उनका कहना है कि दर्शकों का प्यार आशीर्वाद इतना मिल रहा है कि वो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएंगी और अपने काम पर लौट आएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी जिंदगी में चार लोगों का बहुत अहम हिस्सा है, माँ, पापा, भगवान और दर्शकों का। वो अपने दर्शकों को अपना भगवान और माँ पापा मानती हैं। उनका कहना है कि दर्शक हैं मेरे साथ तो मुझे कोई गिरा नहीं सकता, चाहे कितनी भी चोट आ जाए मुझे, गिरूंगी, उठूंगी, संभलूंगी और फिर चलूंगी। बता दें कि नीलू शंकर सिंह को भोजपुरिया दर्शक उन्हें भोजपुरी की अमीषा पटेल कहते हैं, क्योंकि नीलू शंकर सिंह का लुक अमीषा पटेल जैसा ही है, इसीलिए दर्शक उन्हें प्यार से अमीषा पटेल भी कहते हैं। जितनी खूबसूरत नीलू शंकर सिंह हैं, उससे भी ज्यादा बेहतरीन वो अभिनय करती हैं। ऐसा इसलिए कि अभी हाल ही में इनकी फिल्म रानी बेटी राज करेगी बी फॉर यू भोजपुरी चैनल पर रिलीज हुई थी, जो कि सुपरहिट रही थी। दर्शकों ने इसे सबसे ज्यादा टीआरपी दी थी। इसके अलावा इस साल नीलू शंकर सिंह की कई भोजपुरी फिल्में आने वाली हैं, जिनमें से कुछ फिल्मों के ट्रेलर आ चुके हैं जो जल्द ही दर्शकों के बीच रिलीज होने वाले हैं। बस आप सभी ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद नीलू शंकर सिंह पर बनाए रखें। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब लहरें भोजपुरी।